यार, आप भी एक नए क्रिएटर हैं और आप अपने YouTube चैनल के ऊपर वीडियो अपलोड करते हैं। वीडियो अपलोड करने के बाद वीडियो का SEO स्कोर भी 100% कर देते हैं, फिर भी आपका वीडियो वायरल नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे बड़े क्रिएटर्स ऐसा बताते हैं कि अगर आप अपने वीडियो के अंदर अच्छे से टैग ऐड करते हैं, वीडियो का SEO स्कोर 100% करते हैं, तो आपका वीडियो 100% वायरल हो जाता है। लेकिन जो कि बिल्कुल ही गलत बात है, क्योंकि अगर SEO स्कोर 100% करने से ही आपका वीडियो वायरल हो जाता तो हर एक नया क्रिएटर अपने वीडियो का SEO स्कोर 100% करके वीडियो को वायरल करा देता, लेकिन जो कि नहीं हो पाता है, क्योंकि SEO स्कोर तो बहुत आसानी से 100% किया जा सकता है, टैग को भी बहुत आसानी से ऐड किया जा सकते हैं, फिर भी आपका वीडियो वायरल नहीं होगा। इसको मैं यहाँ पे कुछ लाइव प्रूफ के साथ में दिखाने वाले हैं, क्योंकि जो कि बड़े क्रिएटर्स होते हैं वो आपको ये सच नहीं बताते हैं, जो कि आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारे हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वीडियो जो कि चैनल है A to Z साइंस ज्ञान, जिसके ऊपर अपलोड किया गया है, और यहाँ पे 2 दिन हो चुके हैं और व्यूज यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, केवल एक व्यूज यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। अगर हम इसके एनालिटिक्स को चेक करते हैं तो मैंने यहाँ पे TubeBuddy एक्सटेंशन को यूज किया है। अगर अभी तक आपने TubeBuddy एक्सटेंशन को यूज नहीं किया है तो मैं इसके ऊपर भी ऑलरेडी एक वीडियो बना दूंगा सेपरेट, जिसके ऊपर मैं डिटेल से बताऊंगा कि TubeBuddy एक्सटेंशन को कैसे यूज किया जाता है। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कि इसमें क्या है, इसका SEO स्कोर आपको देखने को मिल रहा होगा 95%, जो कि बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पे अगर हम बात करें टैग की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टैग भी बहुत अच्छे से ऐड किए गए हैं और यहाँ पे टैग रैंकिंग में भी है, फिर भी यहाँ पे वीडियो क्या है, वायरल नहीं हो रहा, जिसके ऊपर केवल एक ही व्यूज आया है और वही का वही रुका पड़ा है। दूसरा वीडियो हम यहाँ पे एक और देखते हैं, जिसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं एक चैनल है स्मार्ट गन 247, जिसके ऊपर वीडियो अपलोड किया गया है और जहाँ पे हो चुके हैं 8 दिन, 8 दिन होने के बाद भी यहाँ पे व्यूज कितने हैं, केवल 26 व्यूज देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पे अगर हम इसके एनालिटिक्स को चेक करते हैं तो यहाँ पे SEO स्कोर आपको देखने को मिल रहा है केवल 80%, जो कि बहुत ही अच्छा है, और यहाँ पे टैग भी बहुत अच्छे से ऐड किए गए हैं, फिर भी क्या वीडियो वायरल नहीं हो रहा है, यहाँ पे बस 26 व्यू आने के बाद रुक गया है। वहीं पे हम आपको दिखाते हैं एक और एग्जांपल। इस एग्जांपल में आप देखेंगे कि एक वीडियो वायरल किया गया सोलर फेंसिंग से रिलेटेड, जो कि यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा पुराना चैनल है और जिसमें 2 दिन हो चुके हैं, 2 दिन के अंदर यहाँ पे व्यू आपको देखने को मिले हैं 2.1K, और यहाँ पे अगर हम SEO स्कोर की बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 10, जो कि बहुत ही खराब SEO स्कोर है, फिर भी क्या है वीडियो वायरल हो रहा है। और यहाँ पे अगर हम टैग की बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई टैग भी नहीं ऐड किया गया, जो कि बड़े बड़े क्रिएटर्स बताते हैं कि अच्छे से टैग को ऐड करें, अच्छे से SEO स्कोर 100% करें तो आपका वीडियो वायरल होगा। यहाँ पे तो आप देख सकते हैं ना ही टैग इन्होंने ऐड किया है, ना ही यहाँ पे SEO स्कोर इनका 100% है, फिर भी क्या है वीडियो वायरल है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते 2 दिन के अंदर 2.1K व्यू आ चुके हैं। वहीं पे आप देख सकते हैं इस वीडियो का कितने अच्छे से SEO स्कोर भी किया गया है और यहाँ पे कितने अच्छे से यहाँ पे टैग भी ऐड किया गया, जो कि टैग रैंकिंग में भी है, फिर भी क्या इस वीडियो के ऊपर व्यूज नहीं आ रहे, जो कि 2 दिन में एक ही व्यूज आया है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ऐसा क्या प्रॉब्लम है कि आप अगर SEO स्कोर भी 100% करते तो भी आपका व्यूज नहीं आते हैं? क्योंकि जो बड़े बड़े क्रिएटर्स होते हैं वो अपने पुराने चैनल के ऊपर सभी चीजें करके दिखाते हैं, तो पुराना चैनल जो होता है उसके ऊपर तो ऑलरेडी वीडियो वायरल हो जाएगा, चाहे आप वीडियो का SEO स्कोर 100% करें या ना करें। इसको यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं, एक पुराना चैनल है संदीप महेश्वरी जी का, जो कि इनके ऊपर 28.5 मिलियन क्या है सब्सक्राइबर है, जिस कारण से इन्होंने एक वीडियो अपलोड किया जिसके अभी 11 दिन हो चुके हैं, जिसपे क्या 5.3 मिलियन व्यूज आ चुके हैं। और यहाँ पे SEO स्कोर की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 35%, जो कि बहुत ही खराब है। तो यहाँ पे आपने इन एग्जाम्पल से समझा होगा कि पुराने चैनल जो होते हैं उनके ऊपर आप वीडियो जब अपलोड करेंगे, चाहे आपका SEO स्कोर खराब हो चाहे अच्छा हो, आपका तो वीडियो वायरल हो ही जाएगा। लेकिन जो नए क्रिएटर्स होते हैं उनका वीडियो वायरल नहीं होता, वो चाहे SEO स्कोर 100% करें या ना करें, जो कि यहाँ पे आप एग्जांपल से भी देख सकते हैं। तो अब हम समझते हैं कि फिर नया क्रिएटर जो होता है वो कैसे अपने वीडियो को वायरल करा सकता है, क्योंकि जो पुराने क्रिएटर्स होते हैं वो सभी लोग आपको बेवकूफ बनाते हैं कि आप अपने वीडियो के अंदर अच्छे से टैग ऐड करें, अच्छे से SEO स्कोर करें तो आपका
वीडियो 100% वायरल हो जाएगा, जो कि बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि वो पुराने चैनल पर ही दिखाते हैं। अगर ये बात सत्य है तो वो फिर किसी नए चैनल के ऊपर ये चीज करके दिखाएं, किसी का वीडियो वायरल करके दिखाएं, तो मैं इस बात को सत्य मानता हूं, जो कि वो ऐसा करके आपको दिखाने वाले नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि नए चैनल के ऊपर वीडियो वायरल ही नहीं होगा इतनी जल्दी से। तो फिर अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि हर एक नया क्रिएटर कैसे अपने वीडियो को वायरल करा सकता है। इसके पीछे बहुत सारे मैटर करते हैं। तो सबसे पहला तो रीजन होता है कि आपके चैनल के ऊपर बहुत ज्यादा अगर सब्सक्राइबर बेस है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं संदीप महेश्वरी जी का जो चैनल है, इनके ऊपर बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर बेस है, जिस कारण से अगर कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे अपने चैनल के ऊपर तो इनका वीडियो आसानी से क्या वायरल हो जाएगा। तो ये तो पुराने चैनल के लिए है, लेकिन जो नए चैनल है उनके पास तो इतना बड़ा सब्सक्राइबर बेस है ही नहीं, तो उनका वीडियो कैसे वायरल होता है उनके ऊपर हम कुछ यहाँ पे बात करने वाले हैं कि कैसे नए क्रिएटर जो है अपने चैनल पे वीडियो अपलोड करके उनके ऊपर अच्छे खासे व्यूज ला सकते हैं। तो यहाँ पे हम समझते हैं कि सबसे पहला तो आपको अपने कंटेंट के ऊपर ध्यान रखना होगा कि आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए, और कंटेंट में भी कि आपको यूनिकनेस होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मन हुआ आज इसके ऊपर टॉपिक अपलोड कर दिया, कल उसके ऊपर, ऐसा नहीं। एक टॉपिक होना चाहिए जिसको हम लोग कहते हैं यूट्यूब की भाषा में निश डिफाइन करना, अर्थात सबसे पहले आपको अपने चैनल का एक निश फाइंड करना होगा, उस निश के ऊपर ही आपको वीडियो बनाने होंगे। निश का मतलब होता है कि एक कैटेगरी के वीडियो, जैसे कि अगर आप क्लास 10th की मैथ की पढ़ाना चाहते हो तो क्लास 10th के वीडियो बना सकते हैं, अगर आप यूट्यूब की टिप्स वगैरह टिप्स देना चाहते हैं तो वैसा चैनल बना सकते हैं, अगर आप एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड करना चाहते हैं वीडियो तो एक्सपेरिमेंट का चैनल आप बना सकते हैं, आप अगर न्यूज का चैनल चाहे तो न्यूज का बना सकते हैं। तो आपको सबसे पहले एक निश डिफाइन करना होगा। अब जब आप निश डिफाइन कर लेते हैं उसके बाद बात आती है कि कैसा कॉन्टेंट हम यहाँ पे अपलोड करें। तो कॉन्टेंट जो है आपका कुछ यूनिक होना चाहिए, कॉन्टेंट के अंदर कुछ ऐसा नया हो जो कि अन्य वीडियो के अंदर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका जब नया चैनल है तो आपका वीडियो अगर कोई एक बार देखे तो वो दूसरे लोगों को जब तक नहीं बताएगा या आपके चैनल पे बार बार वीडियो को नहीं देखेगा जब तक आपका वीडियो वायरल नहीं होगा, क्योंकि नया चैनल वैसे भी उसके ऊपर ऑटोमेटिक बहुत कम व्यूज आते हैं, लेकिन अगर आपके कॉन्टेंट में दम नहीं होगी, अर्थात आपने जो भी चीजें बताई हैं वो अच्छे से अगर नहीं समझाई हैं, तो फिर आपके चैनल पे जो भी अगर एक बार भी आ जाता है तो आपके चैनल पे वो दोबारा नहीं आएगा, ना ही किसी को बताएगा। और जब भी कोई आपके चैनल पे एक बार वीडियो देखता है उसके बाद अगर पूरा वीडियो नहीं देखता है तो YouTube को लगता है कि आपके वीडियो के अंदर क्वालिटी नहीं है, जिस कारण से आपका जो वीडियो होता है सजेस्ट नहीं किया जाता है नए जो है व्यूज के पास या नए लोगों के पास। तो आपको हमेशा अपने जो है कॉन्टेंट के अंदर ध्यान रखना है कि कॉन्टेंट आपका यूनिक होना चाहिए। अब हम बात करें कि यूनिक कॉन्टेंट कैसे बनाया जाता है, क्योंकि जो भी नए क्रिएटर्स होते हैं उनके सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है कि यूनिक कॉन्टेंट कैसे बनाए, नया कॉन्टेंट कैसे बनाए। तो सबसे पहले बात करें यूनिक कंटेंट अगर आपको बनाना है तो आपको अपने जैसे चैनल बहुत सारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। जैसे कि आप मान लिया टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बनाते हैं तो टेक वाले जो भी टॉप के चैनल हैं कम से कम 10 चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, उसके बाद वो उनके वीडियो आपको देखना है कि किस टाइप के वीडियो अपलोड करते हैं। उसके बाद आप कोई ऐसा एक वीडियो देखें, जैसे कि मान लिया आप बनाना चाहते हैं कि हाउ टू एडिट वीडियो इन मोबाइल या काइन मास्टर के अंदर वीडियो को कैसे एडिट किया जाए, इसके ऊपर आपको टॉप 10 वीडियो देखना है। उन वीडियो को देखने के बाद उनके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कॉमन पॉइंट्स, उनको एक जगह लिखना है, और जो सब में अलग अलग पॉइंट है उनको भी लिखना है। उसके बाद उन हर एक पॉइंट को कंबाइन करके आपको एक ऐसा वीडियो बनाना है जिसके अंदर जो 10 वीडियो थे उनका कॉम्बिनेशन आपके इस एक वीडियो के अंदर हो जाए, जिस कारण से आपका ये यूनिक वीडियो होगा। अगर आपका कोई वीडियो ये एक बार देख लेता है तो जो 10 वीडियो थे उनको बिल्कुल ही नहीं देखेगा, क्योंकि उसको एक ही वीडियो में उन 10 वीडियो की इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो इस प्रकार से आपको यूनिक वीडियो बनाना है। उसके बाद आपको कुछ ऐसे टॉपिक सेलेक्ट करने हैं जो कि एवरग्रीन टॉपिक होते हैं। एवरग्रीन का मतलब होता है जो हमेशा चलते रहते हैं, जैसे कि एडिटिंग से रिलेटेड होता है, हाउ टू अर्न मनी, इस प्रकार के टॉपिक होते हैं, या कैसे फिट रहें घर पे, इस प्रकार के टॉपिक होते हैं। ये जो टॉपिक होते हैं हमेशा क्या होते हैं, सर्च में आते रहते हैं और इन टॉपिक को लोग हमेशा देखते रहते हैं, तो इन्हें हम लोग कहते हैं एवरग्रीन टॉपिक। तो इनके ऊपर भी आपको क्या है वीडियो बनाने चाहिए, जिससे क्या है आपके चैनल पर रेगुलर व्यूज आते रहेंगे।
उसके बाद फिर कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो क्या होते हैं आपके ट्रेंडिंग टॉपिक या सर्चेबल टॉपिक होते हैं। ट्रेंडिंग टॉपिक या सर्चेबल टॉपिक का मतलब होता है कि कोई नई घटना होती है तो सर्च में आती है। जैसे कि मान लो कोरोना के टाइम में क्या था कि लोग कोरोना के विषय में ज्यादा सर्च करते थे कि कोरोना से कैसे बचा जाए, कोरोना के क्या क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, ये सभी चीजें कोरोना के ऊपर बहुत सर्च में थी। तो आप कोरोना के ऊपर अगर कोरोना वायरस पे वीडियो बनाते तो आपका ऑटोमेटिक सर्च में आता। यहीं पे बहुत सारे एग्जाम जब होने वाले होते हैं, जैसे कि क्लास 10th का एग्जाम जब आने वाला होता है, तो अगर आप उसके ऊपर वीडियो बनाते हैं कि मान लीजिए एक वीडियो के अंदर कंप्लीट मैथ बताते हैं, या एक दिन में कैसे पूरा कोर्स कंप्लीट किया जाए, या मैराथन क्लास बनाते हैं, तो उन लोग जो होते हैं उन वीडियो को बहुत ज्यादा देखते हैं, तो इनको हम लोग कहते हैं ट्रेंडिंग टॉपिक। इस प्रकार के आपको कुछ टॉपिक बनाने चाहिए, देखते रहना चाहिए कि कौन से ट्रेंडिंग टॉपिक आ रहे हैं। अगर आप ट्रेंडिंग टॉपिक नहीं फाइंड कर पाते हैं तो आप अपने ही जैसे चैनल, बहुत सारे जो चैनल होते हैं उनको क्या सब्सक्राइब कर लेना है, और वो जो पुराने चैनल होते हैं वो लोग ट्रेंडिंग टॉपिक फाइंड कर लेते हैं क्योंकि उनको काफी नॉलेज हो जाता है इस विषय में कि कौन सा टॉपिक चल रहा है, कौन सा टॉपिक नहीं चल रहा है। उस प्रकार के टॉपिक आपको सर्च कर लेना है, उनके देख के उसी प्रकार के बनाना है, लेकिन सेम कॉपी नहीं करना है, आपको उस टॉपिक को देखना है, फिर उसमें बहुत सारे यूनिक चीजें आपको ऐड करनी पड़ेंगी जो कि उनके वीडियो के अंदर नहीं होनी चाहिए, तभी आपका वीडियो वायरल होगा। इसके बाद फिर आपको एडिटिंग से रिलेटेड बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ेगी। अगर आप वीडियो के अंदर अच्छे से एडिट करते हैं, जैसे कि मान लिया अनवांटेड पार्ट को हटा देते हैं, अच्छे से ट्रांजिशंस को ऐड करते हैं, जो भी चीजें आप बताते हैं वो साथ में वहां पे अगर दिखा भी देते हैं, जो भी आप बोलते हैं वहां पे अगर लिख के भी चीजें आती हैं, इस प्रकार के अगर आप एडवांस लेवल की एडिटिंग करते हैं अपने वीडियो के अंदर, तो जो भी आपका वीडियो देखेगा उसको अच्छा लगेगा, जिससे क्या आपका वीडियो और भी वायरल होगा। साथ में वीडियो अपलोड करते समय आपको थोड़ा सा थंबनेल के ऊपर ध्यान देना चाहिए। अगर आपने वीडियो को आपने अच्छे से थंबनेल नहीं बनाया तो आपका वीडियो वायरल नहीं होगा, क्योंकि जो सबसे फर्स्ट इंप्रेशन होता है आपके वीडियो का वो थंबनेल ही होता है, क्योंकि आपका वीडियो जब भी कोई किसी के पास जाता है तो उसमें सबसे पहले थंबनेल ही पहुंचता है। अगर आपके वीडियो का थंबनेल अच्छा नहीं होगा तो आपका वीडियो 99% क्या है, वायरल नहीं हो सकता। इसलिए आपको हमेशा अपने वीडियो का थंबनेल सबसे अच्छा बनाना चाहिए। वीडियो जितना समय आप बनाने में लेते हैं उसका हाफ टाइम कम से कम जो है आपको थंबनेल भी बनाने में लेना चाहिए, क्योंकि अगर थंबनेल अच्छा होगा तभी आपका वीडियो वायरल होगा। और यह भी ध्यान रखें कि थंबनेल में जो भी चीजें आप बताएं वो थंबनेल के साथ में आपके वीडियो के अंदर होना भी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बताते हैं कि कैसे जिम में जो है या घर बैठे फिट हो, और वीडियो के अंदर जब भी कोई जाता है तो वहां पर मिलता कि क्लास 10th का वीडियो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी थंबनेल में हो स्पष्ट होना चाहिए, वही उसके अंदर भी मिल जाना चाहिए। तो इस प्रकार से ये कुछ मैंने आज इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात किया, जिनके कारण से नया क्रिएटर जो होता है सक्सेसफुल बन सकता है, क्योंकि जो पुराने क्रिएटर्स होते हैं वो तो सक्सेसफुल हो चुके होते हैं, वो चाहे वीडियो का एसईओ स्कोर करें या ना करें उनका तो वीडियो वायरल हो ही जाना है। लेकिन नए क्रिएटर का एसईओ स्कोर के ऊपर मैटर नहीं करता है, मैटर करता है उनके कॉन्टेंट के अंदर क्या दम है, और तो अगर कंटेंट अच्छा होगा तभी आपका वीडियो वायरल होगा। और लास्ट में एक और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि अगर आप वीडियो को रेगुलरिटी के साथ में अपलोड करते हैं, अगर आप वीडियो को हफ्ते में एक बार अपलोड करते हैं तो हफ्ते में एक बार अपलोड करें, अगर वीडियो को हफ्ते में तीन बार अपलोड करते हैं या तीन वीडियो अपलोड करते हैं तो तीन अपलोड करें, अर्थात जिस टाइप की आपने रेगुलरिटी या शेड्यूल को बनाया है उस शेड्यूल को कम से कम आपको 6-7 महीने तक फॉलो करना पड़ेगा मिनिमम। वैसे तो वीडियो वायरल भी कभी कभी जल्द हो जाते हैं, लेकिन मैं एक एवरेज की अगर बात करूं तो आपको लगभग 3 से 4 महीने तक रेगुलरिटी के साथ में वीडियो बनाने के पड़ेंगे, और अच्छे कंटेंट के साथ में, यूनिक कंटेंट के साथ में, तभी आपका क्या चैनल्स ग्रोथ कर पाएगा। तो आज की वीडियो हम लोग इतना रखते हैं, अगले वीडियो मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ में, जब तक के लिए धन्यवाद।